बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मस्जिद के मुतालिक आम आदाब चल रहे हैं। नंबर 6, मकरू वक्त ना हो तो तहियतुल मस्जिद पढ़ना। तहियतुल मस्जिद ये एक नफल नमाज है जिसकी तलकीन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई मस्जिद में दाखिल हो तो बैठने से पहले 2 रकातें पढ़ लिया करे। ये नफल नमाज का तस्किरा है। मस्जिद के अदब में 2 रकात नमाज पढ़ना चाहिए। अलबत्ता हम मस्जिद में किसी फर्ज नमाज को अदा करने के लिए दाखिल हो रहे हैं तो फर्ज नमाज से पहले कोई सुन्नतें हो, मिसाल के तौर पर फजर से पहले की 2 रकात सुन्नत, जहर से पहले की 4 रकात सुन्नत, असर से पहले की 4 रकात सुन्नत, ईशा से पहले की 4 रकात सुन्नत, ये भी तहियतुल मस्जिद के कायम मकाम हो जाएगा। नंबर 7, मस्जिद में क़िबला रुख होकर बैठना। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जब भी हम मस्जिद में दाखिल हो और नफल नमाज से फारिग होकर बैठने का इरादा करें तो क़िबला रुख होकर बैठें। नंबर 8, अल्लाह सुबहानहु व तआला के जिक्र में मशगूल रहना। मस्जिद में बैठे बैठे कोई दूसरे काम में मशगूल होने के बजाय, आम मतन अभी चूँकि मोबाइल का ज़माना है, मोबाइल में मशगूल होने के बजाय जिक्र व तिलावत, तस्बीह मामूलात, नफल नमाज या फिर अल्लाह के ध्यान, अल्लाह की याद में रहना ज़्यादा मुनासिब है बिलमुकाबिल कोई दुनियावी सोच के। नंबर 9, मस्जिद में लगव और दुनियावी बातें ना करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मस्जिदों को बचाओ आवाज बुलंद करने से, यानी लगव बात करने से मस्जिदों को बचाओ। नंबर 10, बहुत छोटे बच्चों और पागलों को मस्जिद में ना आने देना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मस्जिदों को छोटे बच्चों और पागलों से बचाओ। यहाँ छोटे बच्चों से, वो इतने छोटे बच्चों को मस्जिद में नहीं लाना चाहिए जो मस्जिद के अदब व एहतराम को नहीं जानते हो और मस्जिद में आ करके दूसरे नमाजियों की नमाज ख़राब कर दें। इसी तरीके से मस्जिद में आ करके पाकी नापाकी का लिहाज न रखे, पेशाब पाखाना कर जाने का अंदेशा हो, इतने छोटे बच्चों को मस्जिद में नहीं लाना चाहिए। अलबत्ता अगर बच्चा इतना बड़ा है कि वो मस्जिद के अदब व एहतराम को जानता है, वो इतना समझता है कि मस्जिद में शोर नहीं करना चाहिए, मस्जिद में टॉयलेट बाथरूम नहीं करना चाहिए, टॉयलेट पाखाना नहीं करना चाहिए, मस्जिद में थूकना नहीं चाहिए, मस्जिद में बेअदबी नहीं करनी चाहिए, इतना समझ सकता है समझाने से, तो वैसे बच्चों को मस्जिद में लाने में कोई हर्ज नहीं है। बल्कि आने वाले हालात के तनासुब से तो अभी अगर बच्चों का जहन मस्जिदों से लगा हुआ है तो हमारे लिए खुशकिस्मती है, वरना मस्जिदों से अगर बच्चे अभी दूर रहें तो मुस्तकबिल खतरे में है। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए और हम तमाम को मस्जिदों से जुड़ा रखें। आमीन तुम्मा आमीन।